सिंधु बॉर्डर का आज दूसरा दिन है और दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस सिंधु बॉर्डर पर तैनात हैं। आज मोर्चेबंदी को और ज़्यादा सशक्त बना रही है दिल्ली पुलिस, और यही वजह है कि एक से बढ़कर एक जो भी प्रदर्शनकारियों को रोकने की अत्याधुनिक मशीनें हैं उनकी भी तैनाती हो रही है। ये देखिए LRAD एक तरीके की ये मशीन है जो कि बहुत उच्च क्षमता की आवाज़ निकालती है, और अगर ये आवाज़ निकालती है और इसके सामने आप बहुत देर तक रहते हैं तो इससे सुनने की जो क्षमता है वो भी इंसान की जा सकती है। इसको कहते हैं LRAD। तो ये बहुत ज़्यादा डिसमल की जो आवाज़ है उसको ये निकालती है, तो इसी के वजह से इसको तैनात किया गया है। और इसको जो तैनात किया गया है इसकी आवाज़ जो है वो बिना रुके जाए सामने तक। इसके वजह से ये आप देखिए कि ये जो धन्यवाद आगमन प्रार्थनीय है जो लिखा है, हरियाणा आपका स्वागत करती है जो लिखा है, उस बोर्ड को भी अब हटाया जा रहा है ताकि ड्रोन उड़ाने में इस तरीके की मशीन की जो आवाज़ है वो पहुंचने में, और टेयर गैस का इस्तेमाल अगर करती है पुलिस तो उसमें कोई अवरोध ना आए, उसके लिए उस बोर्ड को जो है वो हटाया जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम सारी जो तैयारी है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। 2 साल पहले जो किसान हैं वो यहीं सिंघु बॉर्डर पर जो है वो इसी जगह पर वो बैठ गए थे और तकरीबन 13 महीने तक वो बैठे रह गए थे। आप देखिए कि हर तरफ कुछ ना कुछ यहाँ चल रहा है। ये देखिए क्रेन मंगवाई गई है और ये जो कंटेनर हैं उसमें सैकड़ों टन मिट्टी भरी गई है ताकि भारी रहे, इसको कोई उस तरीके का बड़ा ट्रैक्टर जो है वो खींच ना पाए, जिस तरीके से कल हमने देखा था कि पंजाब के किसानों के पास में बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं जो उन्होंने जो कंक्रीट लगाई गई थी उसको उखाड़ दिया था। लेकिन इस कंटेनर को, जो यहाँ पर कंटेनर हैं उसको जो है वो यहाँ पर ना उखाड़ने पाए, इसके वजह से इसमें मिट्टी जो है वो भरी जा रही है। और अभी भी देखिए नए नए कंटेनर जो है वो लाए गए हैं और इन क्रेन के ज़रिए यहाँ पर रखा जा रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि LRAD जो है मशीन से लेकर वाटर कैनन, जो आंसू गैस है उस तक का जो इस्तेमाल है वो होगा। एक तरीके से दिल्ली पुलिस की पूरी जो कोशिश है वो ये है कि किसान दिल्ली के अंदर नहीं घुस पाए। अभी हरियाणा के जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने कहा कि अगर शंभू बॉर्डर के बैरिकेड को तोड़ भी देते हैं किसान तो फिर उसके अलावा जो है वो 5 जिलों में 10 बैरिकेड का सामना उनको करना पड़ेगा। 2-2 डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है उसको तैनात किया गया है। तो इतना आसान नहीं है इस बार दिल्ली की सीमा में पहुंचना किसानों के लिए। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से संजय कौशिक के साथ रविश रंजन शुक्ला।